यूपी मल्लिकार्जुन खर्गे लाइव द्वारा चुदा ये लोग कर रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा, अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा, हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजोरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है, इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन चिकन मंगलसूत्र मणि, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते रहते। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए, और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूं, आज कुछ सुना मैं गरीब का, गरीब माँ का बेटा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीज़ें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए, देखो भाई ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर आरएसएस भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इम्पोर्टेंट है, सब मिलकर चलना इम्पोर्टेंट है। ये बातें वो तो नहीं करते, ये आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको ये कहना है कि हम सब मिलके, गठबंधन के पार्टीज मिलके, हम विशेष ध्यान देकर जो न्याय स्कीम्स हमने लोगों के सामने रखा, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसके अलावा भी यहाँ पर जो लोकली स्टेट में बनते हैं वो भी उसमें बहुत जगह जो हो सकता है उसमें शामिल कर सकते हैं बाद में। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खास करके दलित आदिवासी पिछड़ों महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आगे लाने के लिए ये जातीय जनगणना हम करने वाले हैं। इसलिए कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने के लिए नहीं, जाति जाति में झगड़ा लगाने के लिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं किसकी हालत, सामाजिक हालत उसकी क्या है, आर्थिक हालत क्या है और शैक्षणिक हालत क्या है, स्वास्थ्य में उसका कहाँ ठहरा है, इन चीजों को
हम देखने के लिए और देखकर उस पर पॉलिसी बनाने के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था, वहाँ मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोले देखिए तुम्हारे घर में अगर दो भैंस है एक मुसलमानों को देंगे। नहीं आप सुने नहीं, अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतनी झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते मैं समझता हूँ राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और फिर बाद में बचा कुचा रहे तो प्रियंका गांधी को और मेरे को भी शामिल कर लेते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज झूठ, आप कितना झूठ बोलेंगे, और लोगों को मालूम है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि बहुत बड़ा होशियार है, स्टेट्समैन है, अगर कहते हैं तो मैं समझूंगा इस देश की बदकिस्मती है। और मैं ये दावे के साथ कहूंगा कि इंडिया गठबंधन ये जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और लड़ेगा, और हमारे जितने भी गारंटीज है वो हम सभी महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, श्रमिकों के लिए हो, किसानों के लिए हो, और बराबरी के हिस्सेदारी का हो, ये सब कुछ हम करके दिखाएंगे। तो मैं इतना ही कहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद, बहुत शांति से सुने आप, आपको धन्यवाद करते हुए। और अब हाँ मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर 5 kg चावल की भूख चल रही है, मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया 5 kg देके। अरे भाई फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 kg देंगे, 10 kg पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 kg हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए, ये तो आगे देने वाले 5 kg मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है जो कुछ हुआ ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो, या फूड सिक्योरिटी हो, या RTA हो, या RTE हो, ये सारी चीजें मन से किए गरीबों के लिए। तो ये चीज मुझे कहना था, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूँ अविनाश पांडे जी का। हमारे साथ आप जिनकी बात सुन रहे थे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पार्टी के सभी नेता और प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है,
भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है, और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले, और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं, और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून लाकर के जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। नौकरी खोने से नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद हो गया। कई मौकों पर कहा मैंने, वो गणित बताया कि अगर एक परिवार के 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, जो बेटा या बेटी परीक्षा लिखने गई थी और उसके केवल माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 × 60 लाख बनता है 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इसकी भरपाई कहाँ है? इसलिए पूरा सफाया होने जा रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं। इनके जो घिसे पटे डायलॉग हैं उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें,
उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो आह्वान आपने किया वही आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र को खतरा है। ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपके जान के पीछे भी पड़े थे। अब ये कहते हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे, जो शरीर में हमारे वैक्सीन चली गई, अब बताओ उस शरीर से कैसे वापस लेंगे। और लोकतंत्र तो खत्म करना ही चाहते हैं, संविधान ने जो अधिकार न्याय और जो हमारे लिए रास्ता चुना था उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उससे पहले हमने आपने देखा है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया, हर इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी। साथियों, समय कम है, कुछ प्रश्न आदरणीय खड़गे जी से और अखिलेश जी से आप लोग पूछना चाहें तो पूछें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं, जो नाम मेरे पास में आए हुए हैं, आदरणीय भाई वीरेंद्र सिंह जी भारत समाचार से। वीरेंद्र सिंह जी थोड़ा सा शांति बनाए रखें, समय कम है, क्योंकि दोनों आदरणीय नेताओं को आज दिन भर जो कैंपेन लगा हुआ है, मीटिंगें लगी हुई हैं। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो आप लोगों ने चलाई थी कि आरक्षण और संविधान को लेकर, इसको लेकर काफी नीचे तक चर्चा चलाने में आप लोग तो कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पीडीए को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जगहों पर मायावती ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही जहां आपके काफी जो है परेशानी आपके लिए पैदा हो रही, इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं, मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग